हृदय में प्रेम प्रकट हो गया तो थोड़ा सोना भी सार्थक हो जाएगा। जिस समय श्री कृष्ण अवंतिकापुरी से उज्जैन नगरी से अपने गुरु सांदीपनी से विद्याध्ययन करके लौटे हैं, सदा उदास रहते हैं, कभी कभी एकांत में जाकर रोया करते हैं, कभी अट्टालिकाओं पर चढ़कर के अपने वृंदावन की ओर देखा करते हैं और ब्रज की ओर निहारते निहारते श्री कृष्ण की पीताम्बर गीला हो जाता है, आंसुओं से पीताम्बर भीग जाता है, व्याकुल होकर के अपनी गौओं की अपनी गोपियों के स्मरण करते रहते हैं। यादवों में एक बड़े श्रेष्ठ यादव हैं जिनका नाम है उद्धव, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और बड़े ज्ञानी हैं। श्री उद्धव जी महाराज ने देखा कि कृष्ण एकांत में चले जाते हैं, बहुत उदास रहते हैं, देव की मैया भोजन का थाल लगाती है और जब थाली में माखन रख देती है तो माखन को देखते ही यशोदा की याद ऐसी आती है, ऐसी सताती है कि वो भोजन एकांत में जाकर बहुत रोते हैं अपनी मैया को याद करके। मैंने कहा था मैं आऊंगा, जब मुझे जाना ही नहीं था तो मैंने झूठ क्यों बोला, जब मुझे नहीं जाना था तो मुझे झूठ नहीं कहना था। मेरी वो बावरी भैया दिन रात मथुरा की ओर दृष्टि जमाए रहती होगी, मुझे याद करती होगी, मेरी राह देखती होगी, मैंने ये ठीक नहीं किया, बड़े ही उदास रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन एकांत में कन्हैया रो रहे थे वृंदावन की ओर देख देख करके, उद्धव जी पहुंचे और कहने लगे कन्हैया ये सब क्या है, आखिर हमारी सेवा में हमारे प्रेम में ऐसी क्या कमी रह गई जो आप इस तरह रोते रहते हैं, आखिर क्या बात है। तब कृष्ण हृदय से लगा लिया उद्धव को, वो बहुत रोए। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, उद्धव मेरी मैया यशोदा, मेरी वो गोपियां जो अपना सर्वस्व मुझे ही मानती थी, जिन्होंने अपना प्राण धन सर्वस्व मुझ पर समर्पण कर दिया था, मेरी गोपियां मेरे लिए दिन रात रोती होंगी, कितनी प्रतीक्षा करती होंगी। मेरे बाबा नंद मैं देख रहा था जब मुझे एक मथुरा में छोड़कर मेरे बाबा लौट रहे थे, ऊपर से मुस्कुराने का हंसने का अभिनय तो कर रहे थे और उनकी आंखों में छुपे हुए आंसुओं को मैंने देख लिया था। बुधाओ लौटते समय वो कितने उदास थे, उनका हृदय बार बार भर रहा था लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपा रहे थे। उद्धव कहने लगे देखो बचपन में बहुत सारे लोग मिलते हैं, मित्र बनते हैं, बिछड़ जाते हैं, पर यह तो नहीं कि उस बचपन की मित्रता को जीवन भर याद कर करके कोई रोता रहे। आप राजा बनने वाले हैं, आप मथुरापति बनने वाले हैं और आपका इस तरह बच्चों की तरह रोना बिल्कुल शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण आपको रोना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहने लगे उद्धव मेरा एक नियम है, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं, यदि ब्रजवासी मेरे लिए रोना छोड़ दें तो मैं उनके लिए रोना छोड़ दूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम का जो मेरा नियम है, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूं, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूं। उद्धव तुम जाओ, तुम जाकर के और मेरी भैया देवकी को समझाना, गोपियों को समझाना, उद्धव तुम जाकर के और मेरे ब्रजवासियों को समझाओ। उद्धव देखो मेरी वो गोपियां दिन रात मथुरा की ओर देखती होंगी, जाकर के उन्हें समझा देना। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रोर्णो प्रीतिमावह गोपीना मद वियोगाब्धि मत संदेश विमोचय। मेरा संदेश वाहक बनकर के चले जाओ उद्धव। उद्धव जी कहने लगे क्या लाभ होगा,
मैं ठहरा बृहस्पति जी का शिष्य, मेरी ब्रह्म ज्ञान की बातें उन ग्वालिनों की समझ में कुछ आएंगी, मैं ब्रह्म ज्ञान की बातें करूंगा और वो अनपढ़ गवार ग्वालिनियां कुछ समझेंगी। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव खबरदार, मेरी गोपियों को अनपढ़ मत कहना, गवार मत कहना, मेरी गोपियां गवार नहीं है। कोई कितना पढ़ा लिखा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने जीवन में धारण कितना किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धव, मेरी गोपियां अनपढ़ नहीं है। वो थी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न को, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। उद्धव, जिसको प्रेम का ढाई अक्षर समझ में आ गया ना, जिसके जीवन में प्रेम आ गया ना, उसने सब कुछ पढ़ लिया। उद्धव, मेरी गोपियां गवार नहीं है, तुम जाकर उन्हें समझाओ। अब जो है उद्धव कह रहे हैं, देखो संदेश ही भेजना है तो आप क्यों ना एक पत्र लिख करके भेज दीजिए, पत्र के द्वारा भी तो संदेश दिया जा सकता है। श्री कृष्ण कहने लगे, उद्धव निश्चित ही पत्र के द्वारा संदेश भेजा जा सकता है, लेकिन जब भी मैं पत्र लिखने का विचार करता हूं, मैंने कितनी बार पत्र उठाया, कलम उठाई, तो सोचता हूं दिन रात मेरे लिए रोती हुई मैया यशोदा के लिए मैं क्या लिखूं, क्या संबोधन लिखूं। और जब वह रोती हुई मेरी मैया मेरे पत्र को देखेगी तो कहेगी, वाह कन्हैया, मेरे प्रेम का तूने यह बदला चुकाया, मेरे प्रेम के बदले तूने कागज का टुकड़ा भेज दिया। किस मुंह से कैसे लिख, तुम जाओ उद्धव। उद्धव जी को अपना पीताम्बर दिया, अपना मोर पंख दिया और काली कमली दी और कहा, उद्धव इनको लेकर के चले जा। उद्धव ने कहा, इन सबकी क्या आवश्यकता है। बोले, उद्धव तुम नहीं जानते, जिसके सिर पर मोर मुकुट नहीं होगा गोपियां उससे बात करना स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके अंग पर पीताम्बर नहीं, जिसके कांधे पर काली कमली नहीं, गोपियां उस तरफ देखना भी स्वीकार नहीं करेंगी। यदि तुम्हें संदेश देना है तो तुम्हें यह सब पहनना होगा, धारण करना होगा। अब तो उद्धव पीताम्बर लेकर के, मोर पंख कमली लेकर के और उसी रथ से चले हैं जिस रथ के द्वारा श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा आए थे। जैसे ही उद्धव चले